नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिकर समाचार से। जो राया मोड़ में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, रोड ब्लॉक की गई थी, उसको पुलिस खुलवाने की कोशिश कर रही है और उन लोगों के ऊपर एक्शन लेने की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये रोड ब्लॉक किया गया है और लोग काफी यहाँ पर वो लोग काफी परेशान हो रहे हैं। गाड़ियों को भी निकलना है यहाँ पे और अब पुलिस ने मन बनाया है इन लोगों के ऊपर एक्शन लेने का। ये देखें, धक्का मुक्की जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। इन लोगों के ऊपर एक्शन लेने का काम जो है वो पुलिस अब कर रही है, क्योंकि लंबा जाम लगा हुआ है और कोशिश करवाई जा रही है कि ये जल्द से जल्द ये जो रोड ब्लॉक किया लोगों ने वो खुलवाया जाए, ताकि यातायात व्यवस्था जो है वो ठीक से की है। ये देखें यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है वो इन लोगों पर एक्शन ले रही है। तो तस्वीरें राय मोड़ से दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे बता दूं कि युवा राजपूत सभा के समर्थन में यहाँ पर कई सारे लोग जो थे वो उतर आए थे, क्योंकि युवा राजपूत सभा के कुछ सदस्यों को यहाँ पर पुलिस ने डिटेन किया था, जिसके बाद इस तरह तस्वीरें जो है वो देखें यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर किस तरह का लाठी जो है वो लाठीचार्ज की जा रही है। ये देखें लाठीचार्ज की जा रही है यहाँ पर पुलिस की तरफ से, ताकि ये लोग जो है इनको तितर बितर यहाँ से किया जा सके, और कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति जो है वो सामान्य को बनाए, ताकि ये जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो जाम लगा है उसे खुलवाया जा सके। तो कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है, शायद पत्थरबाजी लोगों की तरफ से, सामने से पत्थरबाजी की जा रही है, पत्थरबाजी जो है वो की जा रही है लोगों की तरफ से। सामने तस्वीरें देखेंगे तो वहां पर सामने से पत्थर जो है वो मारे जा रहे हैं। स्थिति ये डिक्टेट ना कर, कोई गल नहीं, नॉर्मल है। खाली भाई थोड़ी पत्थर दिखना, कोई गल नहीं, शेयर करो चंगी तरह, थोड़ा दूर होगा रिकॉर्डिंग करो, शायद रिकॉर्डिंग होनी है। तो ये तस्वीरें राया मोड़ से हैं। यहाँ पर जो लोग युवा राजपूत सभा के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों ने यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू की है। आंसू गैस के गोले भी जो है वो दागे जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, ताकि इन लोगों को तितर बितर किया जाए। और ये जो रोड ब्लॉक किया गया है उसको खुलवाया जाए, क्योंकि लंबा जाम जो है काफी समय से लगा हुआ है, और यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ से, क्योंकि एसएसपी यहाँ पर सोए आए थे, डीआईजी साहब शक्ति पाठक साहब भी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आप समझ आए, रोड खोल दें, क्योंकि लोग काफी परेशान हो रहे हैं, पूरी यातायात व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ठप है। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो कह रहे थे कि युवा राजपूत सभा के जो प्रधान जिनको आपने डिटेन किया, बाकी जो सदस्य जिनको डिटेन किया गया उनको आप छोड़ दें। और लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप कारण बताएं कि उन लोगों को आपने क्यों डिटेन किया है। यहाँ पर सामने आप तो लोग ये पूछ रहे थे कि आप ये हमें ये बताएं कि आखिर कारण क्या है, क्यों आपने युवा राजपूत सभा के सदस्यों को अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, और कल देर शाम रात से उनको आपने लॉकअप में बंद करके रखा है, कारण बताएं। पुलिस के पास कोई तर्क नहीं था, इसलिए लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, और दोनों तरफ से बातचीत हुई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उसके बाद अब पुलिस ने ये रास्ता अपनाया और आप ये तस्वीरें देखें, यहाँ पर लोग जो हैं वो उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियों का सहारा लिया है। इसके अलावा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। ये एक युवक देखें, इसको यहाँ पर लग भी गई है, ये युवक जो है इसको लग गई है। ये इसको क्या हुआ, ऊपर चला रही है, गाड़ी चला रही है ऊपर सर। ये जो गाड़ियां, मतलब सामने से गाड़ियां आ रही है। हाँ सर, और क्या करना है,
और सामने से जो लोग गाड़ियां लेकर आएंगे वो ऊपर चढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, ये देखे, ये कह रहे हैं कि ये जो आम जनता का ये हाल है तो हम क्या करेंगे इधर। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं वो लोग गाड़ियों को इस तरह से चला रहे हैं जिससे ये जो लोगों के ऊपर यहाँ पर कुछ युवकों के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, एक की तो टांग में भी चोट लगी हुई दिखी, ब्लड दिख रहा था इसलिए हमने आपको तस्वीर दिखाई नहीं, लेकिन उसकी टांग पे चोट लगी थी। और उन्होंने बताया कि ये जो ट्रैफिक में फंसे हुए, जाम में फंसे हुए लोग थे जो हाईवे के ऊपर इस समय चल रहे हैं, ये इतनी गाड़ी ऐसे रैश ड्राइविंग कर रहे हैं यहाँ से इस जाम से निकलने के लिए कि आगे जो खड़े लड़के, लेकिन अब यहाँ पर ये स्थिति को नॉर्मल किया गया है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। तो पुलिस को बिमल बैठ गया, तबीयत ठीक है उसकी, यहाँ नहीं दिख रहा बट 70-75। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि यहाँ पर इस जाम को हटाने के लिए पुलिस ने लाठियों का सारा लिया, लेकिन बिमल जी आपको चोट लगी है क्या? चोट नहीं लगी, कवरेज करते समय चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ गए हैं, मतलब ह्यूमिडिटी और गर्मी है, ऊपर से भी गर्मी नीचे से तपस। अच्छा, और आप हालत देख सकते हैं, पत्थर तो नहीं लगा के? पत्थर नहीं लगा, बच गए हैं, लेकिन जो डिमांड है इनकी वो शायद प्रशासन को पूरी कर देनी चाहिए थी। लाठी चार्ज और पथराव तक नौबत नहीं आती, ये प्रशासन तक है। उम्मीद करते हैं जो भी हो बातचीत से हो, सब लोग डोग रहे हैं। आज हमारे बंदों पे लाठी चार्ज किया गया, ये पुलिस ने बहुत ही गलत किया, इनको सोचने चाहिए था कि ये भी अपने डोगरे थे और एक जेन्युइन डिमांड लेके आए थे। और हमारी डिमांड थी कि जो हमारे युवा राजपूत सभा के सदस्य अंदर हुए हैं उनको रिहा करो और टोल मत काटो, आज के लिए परमानेंट बंद कर दीजिए। माने ये नहीं माने, देखो आपके सामने हमारे युवा राजपूत सभा के हमारे आर्मी है, मतलब हमें हमारा मुंह बंद करने के लिए आर्मी है, लेकिन टोल बंद करने के लिए कुछ नहीं है। खुद ही साधो के वो 11 बजे हम आए थे ना, टोल वो स्टार्ट कर रहे थे, लड़कियां बैठा रहे थे कि ऊपर से लड़कियां बैठा देते हैं कि बोल ना पाए कुछ भी। सर, हमें पुलिस ने आश्वासन दिया था कि 1-1.5 घंटे में हम छोड़ देंगे जो भी युवा राष्ट्र सदस्य अंदर है, लेकिन इन्होंने आश्वासन का बिल्कुल एकदम असमर्थ रहे, आश्वासन को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारी मुहिम ये जारी रहेगी जब तक हम सरोवर टोल प्लाजा को जड़ से नहीं उखाड़ देंगे। अगर जो हम वेट करेंगे, अगर युवा राजपूत सभा के सदस्यों को आज नहीं छोड़ा गया तो कल फिर हम इधर प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद। रोड ब्लॉक करना सही था? रोड ब्लॉक करना सही, देखो ना हमारी डिमांड किस बेस पे इन्होंने अंदर किया। हम पीसफुल कर रहे थे ना, इन्होंने हमारे हमारे जो लीडर थे उनको उठा लिया, तभी हमने रोड ब्लॉक किया। कल किया था किसी ने? कल गाड़ियां जाने दे रहे थे ना, क्यों उठाया रात को? कि रात को लोग कम होते हैं इसलिए उठाया। 144 लागू कर दी, क्यों लगा दी? दो कुछ छोटी सी बात होती है, जल्दी जल्दी लगा दो जम्मू में। अभी भी ये कह रहे थे कि साइड पर, मतलब निराशा इन युवकों के चेहरे पे आप साथ देख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि युवा राजपूत सभा के आपने लगाई गई है सैन्य, लेकिन टोल को बंद करवाने के लिए कोई सहारा नहीं। मतलब इस तरह की भावना जब पैदा होने लगे तो हमें लगता है इसको विचार किया जाना चाहिए, जब कोई चीज गलत है तो उसे बंद करवा देना चाहिए। दोबारा सुबह टोल क्यों काटा गया, क्यों काटने दिया गया, ये सब सवाल जो है वो युवकों के अंदर है। तीसरा सवाल उनके मन में ये भी है कि युवा राजपूत सभा के सदस्यों को क्यों डिटेन किया है, अब तक उन्हें क्यों नहीं छोड़ा है। ये माहौल जो है सोए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है। ये देखें एक युवक यहाँ पर शायद तोड़फोड़ हुई है, चप्पलें भी जो है वो यहाँ पर दिख रही है। अब ये कौन युवक था, क्या था, लेकिन पुलिस देखें लाठियां लेकर जो है वो पुलिस लाठियां लेकर यहाँ पर चल रही है और कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी एकत्रित ना हो जाए, फिर से ये रोड जो है नेशनल हाईवे जो है उसे बंद ना कर दें, ये सब चीजों का। और अंत में मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्शन लेना पड़ा। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि कल सांबा को बंद करने की कॉल दी गई है, कल सांबा को बंद करने की कॉल दी गई है और शायद अब लोग
शायद अब लोग ये समझने लगे हैं कि इसके ऊपर आवाज उठानी ही होगी, वरना ये बात मानने वाले नहीं है। तो तस्वीरें राया मोड़ से, जो यहाँ पर हाईवे को, जम्मू पठानकोट हाईवे को बंद किया गया था, उसको आखिरकार पुलिस ने खुलवा दिया है, और जो जम्बा जाम लगा था उसमें भी लोगों को अब राहत मिलते हुए दिख रही है, क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो चलने लगी हैं। कभी बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, टैंकर यहाँ से जा रहे हैं, तो लोग जो थे वो काफी परेशान हो गए थे, और काफी लंबे समय से ये जाम जो था लगा हुआ था, ना ही बातचीत से कोई समाधान हो रहा था ना ही कुछ, और अंत में फिर लाठियों का सहारा यहाँ पर लेना पड़ा, आंसू गैस की गोले छोड़ने पड़े, तब जाकर ये स्कूटी जो है उसको कंट्रोल किया गया। तो ये स्थिति नॉर्मल होते हुए आप देख सकते हैं, स्थिति अब नॉर्मल हो रही है, गाड़ियां जो हैं वो यहां से निकलने लगी हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस तरफ देखेंगे तो आप देखें कि किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो यहां पर फंस गई हैं, यहां से अब इन्हें निकलने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े टैंकर जो हैं वो यहां से सामने से आ रहे हैं, और कोई भी पुलिस इस बात का ध्यान रख रही है कि कोई भी अप्रिय घटना यहां पर ना हो। तो ये देखे सामने डीआईजी शक्ति पाठक जो है वो स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो जाम लगा हुआ है उसे खुलवाया जाए। ये देखें सामने की इस तरफ की गाड़ियों को रोका गया है, इस तरफ की गाड़ियों को रोका गया और दूसरी तरफ की गाड़ियों को जो है वो अब जाने दिया जा रहा है। अब देखें मतलब स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जो जाम लगा था उसे भी खुलवाने की कोशिश की जा रही है। युवा राजपूत सभा के समर्थन में लोग उतर आए थे सड़कों के ऊपर, विरोध कर रहे थे नेशनल हाईवे को, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को, राजमार्ग को बंद किया गया था लोगों के द्वारा, और लोग मांग कर रहे थे कि युवा राजपूत सभा के सदस्यों को छोड़ा जाए, जिन लोगों को डिटेन किया गया है उन्हें छोड़ा जाए, लेकिन यहाँ पर बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल रहा था। लोग पूछ रहे थे कि आपने उन्हें क्यों डिटेन किया, जब आप उन्हें डिटेन कर रहे हैं जबकि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आपने उन्हें क्यों डिटेन किया, आप जो लोग यहाँ पर टोल का ले रहे हैं आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो सवाल पूछ रहे थे पुलिस के अधिकारियों से, डीआईजी साहब से भी शायद पूछ रहे थे, एसएसपी साहब से भी पूछ रहे थे, लेकिन कोई बातचीत से समाधान नहीं निकला। तो अंत में पुलिस ने लाठीचार्ज की है, आंसू गैस का सहारा लिया है, और अब यहाँ पर सभी लोगों को तित्र बित्र जो है वो यहाँ से किया गया है, और पुलिस जो है वो स्थिति को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है। सामने अगर आप देख पाएंगे तो पुलिस के कुछ अधिकारी जो है वो आपको दिख रहे हैं, इसमें एसएसपी साहब जो हैं, एसएसपी बेनाम टोच जो सांबा के एसएसपी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सामने हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, तो सामने वहां देखेंगे आप लोग जो है वो उस तरफ खड़े हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब लोग भी थोड़े से सहम गए हैं, जिस तरह पुलिस ने एक्शन लिया तो लोग यहाँ उनको भी समझ नहीं आई कि अब क्या क्या जाए, किस तरह से क्या करना है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कल हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे, तो हमारे पत्रकार जो हैं वो भी थक गए हैं, सहम गए हैं। अच्छा सर, मैं थोड़ी जानकारी ले सकता हूँ आपसे, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब क्या किस तरह की स्थिति है? नहीं, स्थिति नियंत्रण में है सर। लाठियों का सहारा क्यों लेना पड़ गया? नहीं, ये हल्का लाठी चार्ज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, साइड पे किया गया है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। तो जो युवा राजपूत सभा के आपने सदस्यों को गिरफ्तार किया उनको छोड़ देंगे कि अभी नहीं? उसमें कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक ही आगे कार्रवाई होगी। तो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो कानूनी जो भी प्रावधान है, जिस तरह जो भी प्रक्रिया है उसी से गुजरना होगा, उसके बाहर कोई कार्य जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन
कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि अब स्थिति अंडर कंट्रोल है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें और यह भी बताएं कि जो पुलिस ने यहाँ पर एक्शन लिया है क्या वो सही है या नहीं। और देखते रहे दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।